तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा तब इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा है और भाई इंडिया के बॉलर्स ने तोड़ के रखा हुआ है श्रीलंका को। कल तुम लोग मेरे को बताना कि तुम लोग ये मैच देख रहे हो कि नहीं, और जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब रिजल्ट क्या है ये भी मेरे को बताना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है जिस हिसाब से विकेट्स गिर रही हैं मेरी वीडियो अपलोड होने से पहले मैच खत्म हो जाएगा। कल जो भी हो, उधर से तुम्हारे भाई ने तबाही शुरू कर दी थी, बंदे पे बंदा हुआ नॉक कर रहा था। अब यहाँ पर मेरे चार किल उतरते ही हो गए थे, लेकिन फिर जो हमारा पूरा एरिया था ना वो खाली हो गया था, तो हमने फटाफट से लूटा क्योंकि अब थोड़ा सा बंदूक को ढूंढना पड़ेगा। अब एक बंदा मेरे ऊपर ही था, लेकिन वो पता नहीं क्यों नीचे नहीं कूदा। मेरे को लगा था वो नीचे कूदेगा, बट वो बाहर से घूम के आया। अब ये जहां से भी आया हो अंजाम वही था जो बाकी सबके साथ हुआ। ये हमारी पांचवी किल बनके हमारी किल फीड की शोभा बढ़ाने वाला है। वेल जो भी हो, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और लूट पार्ट करी, क्योंकि तुम सबको पता है भाई लूटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक बंदे को मैं मौली से आ गया, और इधर मैं एक्स्ट्रा लालची हो गया पता नहीं क्यों। भाई वो नॉक भी मेरा नहीं था, लेकिन फिनिश करने के चक्कर में भाई दोनों मारे गए। जो भी हो, मैंने उसके बाद रिस्पॉन लिया, उतरते एक बंदे को ठोक दिया। अब मैं थोड़ी देर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट पे था भाई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेरे को मार सकता था, लेकिन जब आसपास कोई नहीं मिला तो मैंने फटाफट से लूट लिया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि फारूक भाई आज की गेम प्ले में खास क्या है, तो भाई देखो आज के गेम प्ले में खास ये है कि आज तुम्हारा भाई स्नाइपिंग करने वाला है। बहुत दिन बाद तुम लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि फारूक भाई स्नाइपिंग करो, लेकिन क्या करें यार, किल्स का इतना प्रेशर हो गया है ना अब कि भाई स्नाइपिंग करने जाओ तो 20 प्लस किल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार आजकल। अब यहाँ पर मैं फायरिंग सुनते हुए दौड़ता हुआ भाई साहब आ तो गया, लेकिन बंदे भाई नीचे लड़ रहे थे और नीचे जाने की हिम्मत मेरे अंदर तो थी नहीं। अब अगर मैं थोड़ा जल्दी गया होता तो मेरे को ज्यादा किल मिलते, लेकिन मैंने बोला ना नीचे जाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, तो जब लड़ाई थम गई तो मैं कूदा, एक बंदे को मारा, मेरे 7 किल हो चुके थे। फिर हम लोग निकले बंदों को ढूंढने के लिए, उम्मीद थी कि अपार्टमेंट में बंदे मिल जाएंगे, और भाई अपार्टमेंट ने निराश बिल्कुल भी नहीं करा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक थी कि मेरे पास एबिलिटी नहीं थी। हमने बड़े वाले बॉस को मारा तो था, लेकिन पुग्गी लुटेरा सब लूट ले गया था, तो यहाँ पर मैंने उसे एक एबिलिटी बोरो करी, क्योंकि मेरा प्लान सिंपल था, सीधे छत पे जाएंगे। अब देखो छत पे तो बंदा था, और उसने सही करा, बचने के लिए वो भागा था नीचे, और उसे क्या पता था मैं ऊपर से आ जाऊंगा। अब मैंने उसको नॉक फिनिश कर दिया, मेरे 8 किल हो चुके थे, थोड़ी बहुत लूट भी मेरे को इससे मिल गई, उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी लूट की लेकिन मिल गई। उसके बाद हम लोग पोचिंग किया है। अब पोचिंग के में सीन कुछ ऐसा था कि हमको उम्मीद नहीं थी यहाँ पर बंदे मिलेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक बंदा मिला, और फिर देखते ही देखते बंदे भी मिल गए। अब देखो ये बंदा छुप रहा था, तो मैं पकड़ने के लिए अंदर घुसने वाला था, लेकिन इसने फुटस्टेप दे दिया। भाई मैं सोच रहा था ये लेफ्ट में है पता, अगर इसने फुटस्टेप ना दिए होते तो आराम से मेरे को नॉक फिनिश डाल सकता था। पर जो भी हो, हमको लगा ये अकेला है तो हम यहाँ से जाने लगे, लेकिन तभी इन्होंने एंट्री ली। अब मुझे नहीं पता कि इनको जमीन सूंघने की ऐसी क्या अर्ज हुई बीच में कि ये प्रोन हो गए, लेकिन जो भी हो मैंने इनको खत्म करके एक और किल अपनी जेब में कर ली। अब यहाँ से हमको निकलना था क्योंकि बंदे तो दिख नहीं रहे थे लेकिन वो बोलते हैं ना कि जहाँ से उम्मीद नहीं होती है वहीं से किल मिल जाते हैं। अब ये बंदा है बॉट है, तुम डिसाइड करो, मेरे को लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे को इधर किल मिल गया था और मेरे 11 किल हो चुके थे। अभी भी हमको लग रहा था कि गेम प्ले शायद इसमें नहीं बन पाएगा, क्योंकि आज सुबह से भाई 18 किल के 4 गेम प्ले डिलीट कर चुका हूँ, क्या करूँ भाई बंदे ही नहीं बच रहे थे।
और वही यहाँ पर भी हो रहा था। मैंने 11 किल भले ही निकाल रखे थे लेकिन अब सिर्फ 35 बंदे बच रहे थे। लगले जब हम इवेंट वाले एरिया में आए ना तो यहाँ पर हमको कुछ बंदे मिले, अब हम उनकी हजामत करेंगे। अब जब हम यहाँ पहुंचे तो हमको इतना तो पता था यहाँ बंदे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली कहाँ है ये नहीं पता था। लेकिन तभी यहाँ पर एक मिराडो आई। अब मिराडो आई और गई, लेकिन उसके चक्कर में कुछ और लोग सूते जाने वाले हैं। अब देखो ये लोग मुझे घेर रहे थे, तुम देख सकते हो कि दोनों तरफ बंदे हैं और मैं थोड़ा सा फंस गया हूं। लेकिन भाई इसलिए बोलते हैं एबिलिटी का यूज करा करो। अब देखो मैंने एक डॉग निकाला था बट मैं बहुत लो हो गया था, तो यहां पर मैंने हल्द लगाना प्रेफर करा। लकली उस बंदे ने मेरे ऊपर पुश नहीं करा क्योंकि उसकी फटी पड़ी थी। अब 1v1 में मैंने उसको भी धो दिया। इसके टीममेट ने कवर देने की कोशिश करी बट वो काफी नहीं था और उसके दोनों टीममेट्स को हमने निपटा दिया। अब ये भाई साहब अकेले बच रहे थे और इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई जब तक स्क्वाड वाइप नहीं करेंगे मजा कहां से आएगी। अब इसको उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी ऊपर आ जाऊंगा, ये फंस गया था तो इसने फाइट ली और मैंने इसको हरा दिया। अब यहां पर मेरे को 3 किल मिल गए थे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इनका चौथा बंदा कहां है। तो मैं भाई साहब पूरी तरीके से अलर्ट था, इनके चौथे बंदे को ढूंढ रहा था, लेकिन जब मेरे को कोई मिला नहीं तब मैंने उसको फिनिश कर दिया। अब यहां से मैं निकलने ही वाला था लेकिन तभी मेरे को फुटस्टेप आए। अब मेरे को तो ये भटूरा ही लग रहा है, तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि है क्या था। वेल जो भी हो, यहाँ का जो बॉस था हमने उसको भी ठिकाने लगा दिया और उसके बाद हम लोग भाई साहब अपनी लैम्बोर्गिनी लेके निकले जॉर्जो की तरफ, क्योंकि जोन उधर ही का बन रहा था। लेकिन हमको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा क्योंकि भाई पहाड़ी पे हमारी लग गई लॉटरी। अब देखो तुमको आवाज थोड़ी सी अजीब लगेगी क्योंकि ये फमास है। भाई फमास की आवाज ऐसा लगता है जैसे गेमप्ले का साउंड बढ़ गया हो, कान फट जाते। वेल जो भी हो, इसको मैंने धर दिया था और इसका टीममेट पीछे था। अब इसको खत्म करते ही मेरे को एक फ्लेयर ड्रॉप दिखाई दिया, तो मैंने बुग्गी से बोला गाड़ी में बैठ। अब जैसे ही हम यहाँ से निकलने वाले थे मेरे को पीछे से एक यूएस आता दिखाई दिया, तो मैं चलती गाड़ी से कूद गया क्योंकि मुझे चाहिए थे किल्स और अब मैं गिराऊंगा बंदों को। अब मैंने दो उतार दिए थे लेकिन जो तीसरा ड्राइवर था ना भाई वो भाग गया। बुग्गी को मैंने मना कर दिया था कि भाई फायर मत करना यार, वो बहुत लो है, मेरा शिकार है। अब बुग्गी मेरे से यहां बोल रहा था भाई फायर करूं वो बच के निकल जाएगा, लेकिन लालची इंसान था मैं भाई, वो बंदा बच के निकल गया। वेल जो भी हो, कोई नहीं, 3 नहीं तो 2 ही सही, 2 किल मेरी जेब में आ गए थे। मैं बड़ा खुश था क्योंकि मुझे पता था कि अब नेक्स्ट कहाँ जाना है। तुमको याद होगा फ्लेयर दिखाई दी थी, तो असल में वो एक नहीं दो फ्लेयर थी वहां पर। और भाई जॉर्जियो में जब हम पहुंचे ना हमारी दावत हो गई। अब देखो यहां पर हमको फुटस्टेप सुनाई दे गया था, तो हम समझ गए थे कि भैया वेयर हाउस में कोई तो छुप रहे, तो हम फटाफट से उतरे। लेकिन तभी वो कंटेनर से भी साउंड आया। ये तो वही बंदे हैं यार जिनको हम ठोक के आए थे उधर इवेंट वाले एरिया में। अब इसके टीममेट की बारी थी, जो कि भाई साहब क्या ही मरा है पूछो मत। बेचारा हवा में कबूतर की तरह टुक गया। पर जो भी हो, इसको मारने के बाद यहां पर एमआर पड़ी थी, लेकिन भाई तभी सामने वाले स्क्वाडों से एमआर जली, तो मैंने कहा रुको भाई है, स्नाइपर चलाओगे तो चैलेंज है, जवाब तो देना पड़ेगा। अब यहां पर बुगे को एमआर पड़ी और मैंने हेडशॉट रख दी। अब यहां तो बुगे रिवाइव हो जाएगा,
लेकिन वो बंदा पीक देने से बाज बिल्कुल नहीं आएगा भाई, वो मेरे से फिर से फाइट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं है क्योंकि भाई बंदों की कमी थोड़ी ना इधर। अब ये भाई कहां से प्रकट हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन 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 भाई जो स्क्वाड हाउस है ना नदी के उस पार वाला, उधर काफी फायरिंग हो रही है, तो मेरा ध्यान अब उधर था। चलती गाड़ी पे पड़ी हो उसके। अब देखो उसको मार दी, पहाड़ी वाला बंदा भी फिनिश हो गया था, तो मेरा काम तो हो गया था, 24 किल मेरे हो गए थे, लेकिन अब डिसाइड ये करना था कि पुश करे या ना करे। हमने डिसाइड करा कि हम पुश करेंगे, लेकिन भाई बुग्गी ने देखा नहीं ना मैंने, गाड़ी में तेल ही नहीं था और हम ओपन में फंस गए। अब हमारी जगह कोई और होता या हम रैंक पुश कर रहे होते तो हम पीछे भाग जाते, लेकिन यहाँ पर हम एग्रेसिव चले गए। अब देखो मैं बताता हूँ हो क्या रहा है, स्क्वाड हाउस पे हो रही है फायरिंग, तो हमको लग रहा है वहाँ दो स्क्वाड आपस में लड़ रही है, तो ऐसे में उनका ध्यान हम पे नहीं होगा, लेकिन भाई ये बेट था, ये जानबूझ के फायर कर रहे थे यार, और हम फंस गए इनके जाल में। सैड लाइफ।